तो हे गाइस, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। नहीं माइनक्राफ्ट नहीं, पर हाँ माइनक्राफ्ट ही। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि आज हम इसमें बेसिकली सर्वाइव करने वाले हैं एक राफ्ट के ऊपर। तो इसमें हमारे पास कोई मतलब सोर्स नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगी, हमें सारी चीज़ें पानी में जो तैरती हुई मिलेंगी हमें उसी को उठाना होगा और हमें उसी से ही सर्वाइव करना होगा। और इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रेडर होगा। तो गाइस, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी करना। तो फर्स्ट डे मैं स्पॉन हो चुका था एक राफ्ट पर, और यहाँ पर ये पता नहीं क्या लगा हुआ था ऊपर, और सामने मेरे एक चेस्ट थी। जब मैंने चेस्ट को खोला तो यहाँ पर मतलब कुछ थोड़ा सही सामान मिला और थोड़ा बहुत कूड़ा कबाड़ा भी मुझे मिला। मतलब यहाँ पर तो एक हुक्गन टाइप की चीज़ मिली। जब मैंने इसको उठाया मुझे इतना तो पता था कि ये हुक्गन से मुझे मतलब ये सारा सामान कलेक्ट करना है, क्योंकि पानी के अंदर होगी एक शार्क। मुझे जितना पता था मेरे हिसाब से शार्क ही थी इधर। तो मैंने हुक्गन मतलब मारी तो यहाँ से कुछ फूड का एक मतलब छोटा सा टुकड़ा टाइप आया। मैंने इसको कलेक्ट करके देखा तो यहाँ पर मुझे छोटा सा मतलब एक प्लैंक टाइप की कोई चीज़ मिल चुकी थी। तो मैंने फिर से हुक्गन को रीलोड किया और दोबारा से इसको फेंक के एक वुड और कलेक्ट की। तो वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने सामने मतलब एक बॉक्स आता हुआ देखा, तो मैंने सोचा कि चलो इस बॉक्स को कलेक्ट करते हैं। तो मैंने इसकी तरफ मतलब हुक मारा और इस बॉक्स को अपनी तरफ जल्दी से खींचना चालू किया। मेरे को लग रहा था ये मिस्टीरियस टाइप का मतलब बॉक्स होगा, उसमें कुछ हमें अच्छा ही सामान मिलेगा। तो जब मैंने इस बॉक्स को लूटा तो मुझे थोड़े से मतलब कोबलस्टोन और थोड़ा सा लेदर मिल चुका था। फिर उसके बाद मुझे एक पत्थर तैरता हुआ दिखा, तो मैंने इस पत्थर को भी कलेक्ट करने का मतलब सोचा कि शायद मुझे लगा पता नहीं ये पत्थर से शायद कोबलस्टोन बनेगा। बट जब मैंने इस पत्थर को कलेक्ट किया तो यहाँ पर मिला मुझे कुछ और ही अलग सी चीज़ जिसको बोलते हैं मेटल स्क्रैप। अब मुझे ये नहीं पता था इससे बनना क्या है, तो मैंने इसको अभी मतलब भूल के आगे सामान कलेक्ट करना चालू किया। तो मैंने और थोड़े से बॉक्स लूटे, जल्दी से मैंने बॉक्स लूटना चालू किया, और ऐसे ही सामान करते करते जो ऊपर ये लगा हुआ था मैंने इसको तोड़ के देखा तो मुझे यहाँ से बहुत सारी स्ट्रिंग मिल चुकी थी। तो स्ट्रिंग कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से लग गया अपना सारा सामान दोबारा से लूटपाट करने में जितना मुझे पानी में से मिल सकता था। तो मैंने यहाँ पे पहले वुड लूटी और धीरे धीरे करके और बड़ा सारा सामान लूट लिया। तो बहुत सारा सामान लूटने के बाद मैंने यहाँ से ओक प्लैंक बनाए और थोड़ा सा और सामान लूटा, और उसके बाद ओक प्लैंक दोबारा से बनाया और अपने लिए दोबारा सामान लूटने लग गया कि जिससे मैं और ओक प्लैंक बना के और अपने लिए सामान बना सकूं, क्योंकि इस वुड से चार वुड से ही एक ओक प्लैंक बनता था। तो मैंने ये वुड और लूटना चालू किया और थोड़े बहुत और बॉक्स भी लूटे। तो यहाँ से मेरे को डर्ट और थोड़े से सीड भी मिल चुके थे, और मैंने थोड़े ओक प्लैंक बनाए और उसके बाद अपना सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाया और यहाँ पर अपने क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस किया। और उसके बाद जो ये लकड़ी लगी हुई थी मैंने इसे तोड़ी, और तोड़ी मतलब इस लकड़ को तोड़ा तो यहाँ पर मुझे स्टिक्स मिल चुकी थी। और मैंने यहाँ पर पहले अपने लिए वूल बनाई, और उसके बाद रात भी हो चुकी थी और रात होने के साथ यहाँ पे बारिश भी आ गई थी। तो मैंने थोड़ा और सामान लूटा और उसके बाद वुड का प्लैंक ओक प्लैंक बना के अपने लिए सबसे पहले एक बेड बनाया, और बेड बना के रात हो चुकी थी इसलिए मैं सोने चला गया। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपने लिए एक हो बनाई, और हो बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा सामान कलेक्ट करके अपने लिए सबसे पहले फार्म बनाने लग गया। और उसके बाद फार्म बनाने के बाद मैं दोबारा से सामान लूटने में लगा, जिससे मैंने थोड़े से और बॉक्स लूटे और सामान लूटा। और बहुत देर सामान लूटने के बाद मेरे को जब एक मतलब थोड़ा सा सामान लूट के मुझे जब ये मिली तो मैंने एक और वो प्लेस कर दी, और उसके बाद मैं दोबारा से लग गया सामान लूटने में। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले अपने लिए एक शवल बनाई, और ये शवल क्यों बनाई थी आपको आगे पता चलेगा इस चीज़ का। तो मैं दोबारा से शवल बनाने के बाद दोबारा सामान लूटने में लग गया। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक मतलब वाटर जो था पड़ा हुआ था उसको मैंने पिया और दोबारा से सामान लूटा। इस करते करते दोबारा भी रात हो चुकी थी और दोबारा मैं सोने चला गया रात होते ही। और सुबह उठ के मैंने अपने लिए दोबारा मतलब सामान लूटने के लिए दोबारा सोचा कि सामान लूटूंगा। तो सामान लूटने से पहले मैंने अपने लिए पहले एक बोट बनाई, और बोट बना के सामने वाली जगह पे जाने की तैयारी की, क्योंकि मुझे यहाँ पता था मुझे यहाँ पे ट्रेडर मिलने वाला था। तो यहाँ पे मैंने बैरल खोले, तो बैरल में मुझे थोड़े से मतलब अपने लिए एमरल्ड भी मिल चुके थे, और एक लावा बकेट भी थी। तो मैंने इसको कलेक्ट किया और कलेक्ट करके वापस अपने आइलैंड पे आने की तैयारी में लग गया। तो इस बोट मैंने द्वारा घुमाई और अपने आइलैंड पे वापसी आ गया। आइलैंड पे आने के बाद मैंने ये सामान को सबसे पहले अनलोड करवाया मतलब उसमें रखा,
चेस्ट में और दोबारा से अपना सामान लूटने लग गया। तो मेरे को मैसेज मतलब ऊपर नोटिफिकेशन आई कि वो ट्रेडर आ चुका है, तो मैंने एमरेल्ड कलेक्ट किए और दोबारा ट्रेडर मतलब ट्रेडर की जगह पे गया और ट्रेडर से सामान देखने लगा कि मतलब क्या क्या ये बेचता है। तो थोड़ा वो सामान तो अच्छा बेच रहा था, बट इसके लिए मुझे एमरेल्ड बहुत सारे चाहिए थे, तो एमरेल्ड मेरे पास इतने सारे थे नहीं। तो मैंने अभी एमरेल्ड को छोड़ के मतलब पहले एक थोड़े से सीड खरीदे बीट रूट के और थोड़ा सा अपने लिए वाटर की ये बॉटल्स खरीदी, क्योंकि यार इसमें हमें पानी पीना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नीचे हमारा वाटर लेवल कम होगा तो इसमें हमें थोड़ा मतलब स्लोनेस मिलेगी। तो मैं वाटर बॉटल लेके दोबारा अपने आइलैंड पे आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ से ग्रेवल कलेक्ट किया और अपने लिए सबसे पहले यहाँ पे कोर्स डर्ट बनाई, और कोर्स डर्ट बनाने के बाद इस कोर्स डर्ट को मैं नॉर्मल डर्ट बनाने में लग गया। और रात हो चुकी थी इसलिए मैं दोबारा सोने चला गया, और सुबह उठ के सबसे पहले इस मैंने डर्ट को लगा के अपने लिए फार्म थोड़ा सा बड़ा किया। तो फार्म को बड़ा करने के बाद मैंने मतलब दोबारा थोड़ा जो सामान था वो वापसी रख दिया और यहाँ पे अपने लिए एक छोटा सा कोबलस्टोन फार्म बनाना चालू किया। तो यहाँ पे मतलब फार्म बनाते हुए ये शार्क पता नहीं कैसे मेरी बोट के ऊपर आ चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर एक कोबलस्टोन फार्म बना के रेडी किया और उसके बाद मैं थोड़े से कोबलस्टोन तोड़ने में लग गया। और रात हो चुकी थी, सुबह उठ के मैंने फिर से मतलब कोबलस्टोन फार्म मतलब वो की कोबलस्टोन तोड़े और यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़े से प्लैंक्स लिए और यहाँ पर फिर से मैं लग गया अपने लिए थोड़े से मतलब सामान लूटने में। तो मैंने यहाँ पर एक पेड़ उगाया था जो पेड़ भी उग चुका था, बट मैं ये चीज़ भूल गया था तो यहाँ पे मेरी बोट गायब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मतलब इस बोट को मैं इस मतलब वुड से ही बना लूँगा, बट यहाँ पे जब मैं बनाने गया तो यहाँ पे प्लैंक्स बनाने के लिए मुझे वहीं से लकड़ लूटनी पड़नी थी, तो ये पेड़ किसी काम नहीं आए। तो मैं दोबारा से लग गया थोड़ी सी वुड लूटने में। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले दोबारा से बोट बनाई और बोट को लगा के ट्रेडर भी आ चुका था, तो मैं गया सबसे पहले ट्रेडर के पास देखने के लिए कि मतलब कोबलस्टोन बेचने थे मेरे को। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे थोड़े से कोबलस्टोन बेच के एमरल्ड दो कलेक्ट किए, तो मैंने उन दो एमरल्ड से फिर से वाटर बॉटल ही खरीद ली। और यहाँ पर जब मैंने देखा तो यहाँ पर मेरी बोट हो चुकी थी गायब, मतलब गायब तो नहीं हुई थी, वो उस राफ्ट के नीचे चली गई थी। मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की बट वो मिली नहीं और वो फिर से आगे चली गई। जब आगे जाके मैंने फिर उसको बचाने की कोशिश की कि वो मिल जाए, मैंने बहुत देखो मैंने कितनी कोशिश की कि मतलब कि यहाँ पर मैं कूदा भी इसके लिए अंदर कि मतलब मैं इसको निकाल पाऊँगा, बट ये निकली नहीं रही थी। तो मैंने मतलब इस पर बोट करने की कोशिश की कि मैं इस पर बैठ जाऊँ, बट मैं बैठ भी नहीं पा रहा था इस पर। पर आगे क्या हुआ कि मैं जैसे ही मतलब ऊपर चढ़ा और वापसी नीचे उतरा इसको बचाने के लिए, तो शार्क ने आके मेरे को एक फटका मारा और मैं वापसी आके उसकी राफ्ट पे आ चुका था। और शार्क को बोट इतनी पसंद आई कि वो बोट को अपने साथ ही लेके चली गई वहाँ से। तो मैंने उसको भूलने की मतलब सोचा कि चलो भूलना ही पड़ेगा, तो मैं वापसी आ रहा था अपने घर के लिए, तो शार्क ने आके मेरे पे दोबारा से हमला कर दिया और यहाँ पे हो गई मेरा पोपट कि मैं यहाँ पे मर गया। और जितना मेरे पास सामान था सारा वो पानी के अंदर ही रह गया और शार्क भी उसके आसपास ही घूम रही थी। मैंने सोचा मैं दोबारा जाके सामान लूट के मतलब उठा के ले आऊँगा अपने लिए, तो मैंने सामान को तो मतलब जैसे जैसे उठा लिया और मैं उठा के मतलब ट्रेडर वाली जो राफ्ट थी उसके ऊपर चला गया। बट हुआ क्या, मैंने सोचा कि अभी जैसे वापसी कैसे जाऊँगा, तो मैंने सोचा चलो तैर के वापसी चलते हैं, जो सामान थोड़ा सा रह गया है उसको मैं लेता हुआ चल लूँगा। बट शार्क को ये शायद मंजूर नहीं था और शार्क ने ये चीज़ मतलब सोची कि ये कैसे लेके जा रहा वापसी, तो उसने दोबारा से मेरे पे हमला किया और दो से तीन शॉट के अंदर मतलब मेरे को फिर से ही मार दिया उसने। ज़्यादा मेरे को मौका नहीं दिया मतलब बचने का, मैं फिर से इधर स्पॉन हो चुका था। तो रात हो के मैं दोबारा मतलब सो गया और मैंने उस सामान को भूलने का सोचा और दोबारा से लग गया मैं थोड़ा सामान लूटने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फिर थोड़े से कोबलस्टोन लूटे एक पिकेक्स बना के, और वहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्लैब बनाई और यहाँ पे मैंने रास्ता बनाना चालू किया जिससे कि मतलब मैं सामान भी वापसी ले लूँ और ट्रेडर के पास भी जा पाऊँगा, मतलब कि जगह बनी होगी तो मेरे को पानी में नहीं जाना पड़ेगा बार बार, और बोट की भी दिमाग का मतलब खबाई ख़त्म हो जाएगी कि मेरे को बार बार बोट बनानी है। तो मैंने वहाँ से एक थोड़ा सा रास्ता बनाया जो कि डायरेक्ट मेरी राफ्ट से उसकी राफ्ट को जोड़ रहा था। तो वापसी आके मैंने थोड़ा सा फिर से सामान लूटना चालू किया, और रात हो चुकी थी बट मैं फिर भी सामान को लूटता ही रहा। और मैंने यहाँ पे थोड़े से खेत और बड़े किए और यहाँ पे सामान उगा के फिर से लग गया सामान लूटने में। तो मैंने यहाँ पे फिर से सोचा कि थोड़े से कोबलस्टोन तोड़ूंगा, तो मतलब कि यहाँ पे मैंने कोबलस्टोन तोड़ने के लिए सामान वामान की मतलब जुगाड़ किया और थोड़ा सा वाटर पी के
मतलब नो इफेक्ट वाला था, मैं भूल चुका था, मैंने ट्राई किया कि ये जो मेडिसिन थी इससे क्या इफेक्ट मिलता है, तो यहाँ पे मुझे रीजनरेशन 5 मिल चुकी थी। तो मैं ट्रेडर के पास आया देखने की मतलब ये क्या बेच रहा है, तो मैंने इसको जब मतलब कि थोड़े से कोबलस्टोन फिर से बेचे जितने मेरे से मतलब हो सकते थे, तो यहाँ पे मेरे पास 6 एमरल्ड हो चुके थे, और मैंने इससे फिर से वाटर बॉटल खरीद ली। तो वापसी आके मैंने यहाँ पे जो स्टिक्स थी मतलब इसको तोड़ा, और यहाँ से स्टिक कलेक्ट करके जैसे मैंने इसको भी कलेक्ट किया स्टिक, मतलब इससे भी स्टिक मिल चुकी थी मेरे को दो, और वापस गया यहाँ से मैं नीचे, और नीचे जाके मैंने एक फिर से पिकेक्स बनाई, और रात हो चुकी थी इसलिए सोने चला गया। सुबह उठ के मैंने दोबारा से मतलब लूटना चालू किया, और यहाँ पे अपने लिए सबसे पहला एक फर्नेस बनाया, और फर्नेस बना के मैंने सोचा था मतलब कि यहाँ पे देखूँगा कि अगर वाटर को मतलब पकाया जा सके तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा वाटर कलेक्ट किया, और यहाँ पे मतलब अपने लिए सबसे पहले मैंने वाटर रखा, और अपने लिए यहाँ पे कॉयल रखा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मतलब ये वाटर पका सकता था मैं, मतलब कि मैंने वाटर को मतलब जैसे क्लीन वाटर बना सकता था खुद ही, तो मैंने थोड़ा सा वाटर और बनाने की मतलब की कि मैं वाटर थोड़ा सा और बनाऊंगा जिससे कि मेरी मतलब जो वाटर लेवल है थोड़ा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा खाने का लेवल भी कम था, तो मैंने थोड़े से बीट रूट खाए, और अपने लिए यहाँ पे मतलब जितने बीट रूट थे मिल सकते थे वो खाए, और थोड़ा सा पानी भी पिया, मतलब कि क्लीन वाटर बनाया और उसको मतलब कि पिया कि जिससे कि मेरा वाटर लेवल और बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मतलब जो प्लैंक्स मतलब अटके हुए थे यहाँ से मैंने इनको कलेक्ट किया, और बारिश आनी चालू हो गई थी। मैंने मतलब सोचा कि सो के देख लेता हूँ कि थंडर स्टॉर्म ना हो, बट थंडर स्टॉर्म नहीं था। थोड़े से मैंने कोबल स्टोन मतलब बड़ी देर तक तोड़े, और वापसी आके ट्रेडर से फिर से मैंने एमरल्ड खरीदे, जिससे कि मतलब मेरे को मैं थोड़े ज़्यादा एमरल्ड कलेक्ट करने की सोच रहा था कि जिससे मैं इससे मतलब आयरन खरीद लूँगा। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से इससे आके मतलब कलेक्ट करके ख़रीदे, और यहाँ पे मेरे पास 9 एमरल्ड हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने पोटैटो बनने रखे थे, तो ये बेक्ड पोटैटो हो चुके थे, तो मैंने इसको सबसे पहले खाया कि जिससे मेरी हंगर बार भी बिल्कुल फुल हो जाए। तो मैंने थोड़े से खेत और बड़े किए, और दोबारा से लग गया कोबलस्टोन तोड़ने में, और वापसी आके थोड़े से एमरल्ड और ख़रीदे। तो यहाँ पे मेरे पास एमरल्ड तो मेरे हिसाब से मतलब 11 हो चुके थे, हाँ 11 एमरल्ड मेरे पास हो चुके थे। तो मैंने एक पिकेक्स और बनाई, और वापस मतलब 2 पिकेक्स कनेक्ट कर ली, और रात को सोने चला गया, और सुबह उठ के दोबारा से लग गया कोबलस्टोन तोड़ने में। तो बड़ी देर कोबलस्टोन तोड़े, और उसके बाद मैंने मतलब यहाँ पे जो मैं सामान कलेक्ट कर सकता था मैंने हुगन से कलेक्ट किया सामान को थोड़ा सा, और यहाँ पे बड़ी धीरे धीरे आ रहा था, मतलब कि पहले थोड़ी देर वेट करनी पड़ती थी। तो मैंने यहाँ से जब ये लूटा, और द्वारा से थोड़ी देर सामान लूटने के बाद ट्रेडर के पास गया, मतलब ट्रेडर द्वारा चला जाता है और बार बार आ जाता है। तो ये ट्रेडर मेरे को मतलब अब कोबलस्टोन खरीद ही नहीं रहा था, अब मेरे को दूसरे ट्रेडर की वेट करनी पड़ी। तो जब तक मैंने थोड़ा सा और सामान लूटा, और रात होने पे सोने चला गया। तो यहाँ पे मतलब एक बॉक्स अटका पड़ा था, मैंने इस बॉक्स को तोड़ा, और ट्रेडर भी द्वारा आ चुका था, मतलब दूसरा ट्रेडर था ये। तो मैं इस ट्रेडर के पास गया देखने की मतलब ये मेरे से वो खरीदता है या नहीं खरीदता, और ये मेरे से थोड़े से कोबलस्टोन मतलब कोबलस्टोन तो खरीद ही रहा था। तो मैंने इसको यहाँ से 3 कोबलस्टोन बेचे, मतलब हाँ 3 स्टैक कोबलस्टोन बेचे, और 3 एमरल्ड कलेक्ट किए, और टोटल मेरे पास 14 हो चुके थे। और 14 से ये मुझे पूरा एक आयरन दे गया, मतलब आयरन इसने दिए मेरे को बहुत सारे। और मैंने इससे आके अपने लिए होपर बनाए, मतलब मैंने होपर बनाने की सोची बट मैं होपर बना नहीं पाया, तो चेस्ट कम पड़ रही थी, तो मैंने थोड़ी सी चेस्ट बनाई। पानी ना होने के कारण मेरे पास स्लोनेस भी आ चुकी थी, जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे को स्लोनेस मिल जाएगी, तो मेरे को स्लोनेस मिल चुकी थी। तो मैं पका हुआ पानी था मतलब क्लीन वाटर था, मैंने उस पानी को थोड़ा सा पिया, और दोबारा से लग गया मतलब थोड़ा सामान लूटने के लिए, क्योंकि मेरे को बनानी थी चेस्ट, और चेस्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए थे मतलब वुड के प्लैंक्स, मतलब ओक प्लैंक्स या कोई भी प्लैंक्स। तो मैं यहाँ लग गया वुड कलेक्ट करने में, तो मैंने बड़ी देर वुड कलेक्ट की, और फिर अपने लिए चेस्ट बनाई। और चेस्ट बनाने के बाद मैंने सोचा कि अब चलो होपर भी मैंने मतलब अपने लिए बनाई लिए, 4 होपर की मेरे को ज़रूरत थी, क्योंकि ये होपर क्या काम आएंगे ये मैं आपको आगे बताऊँगा। और रात होने पर मैं दोबारा सोने चला गया, और सुबह उठ के मैं दोबारा सामान लूटने में लग गया। और बड़ी देर सामान लूटने के बाद मैंने मतलब अपने थोड़े से प्लैंक्स बनाए, और प्लैंक्स बना के फिर 1-2 चेस्ट बना ली अपने लिए। बेसिकली मेरे को 2 चेस्ट और चाहिए थी, और मैंने मतलब ये चेस्ट जो सामान था इधर थोड़ा सा प्लैंक्स व्लैंक्स जो थे मैंने लिए, और इससे
थोड़े एक मतलब अपने लिए वो बनाई, स्टिक्स बनाई, थोड़ी सी स्टिक्स क्योंकि कम पड़ चुकी थी, मेरे को स्टिक्स की जरूरत थी, और मैंने अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स बना ली जिससे कि मैं सामान जल्दी तोड़ पाऊँ। तो मैंने पहले सबसे पहले सोचा कि ये जो मेरे पास कॉल पड़ा था इससे मैंने कॉल भी तोड़ ही लिया, तो मतलब कॉल भी मैंने सारा कलेक्ट कर लिया, और रात होते ही सोने चला गया। सुबह उठ के मैंने दोबारा पानी बनाने के लिए रखा और पानी पिया, तो मैंने थोड़ा सा और पानी पिया और दोबारा लग गया मतलब अपने काम पे, मतलब कोबलस्टोन तोड़ने के लिए। तो मैंने थोड़े से और बड़े सारे मतलब कोबलस्टोन कलेक्ट किए, और सुबह उठ के भी फिर से मतलब रात दिन मैं कोबलस्टोन ही कलेक्ट करता रहा, और बड़े सारे मेरे पास कोबलस्टोन कलेक्ट हो चुके थे। तो मैंने मतलब दोबारा से कोर्स डर्ट बनाई थोड़ी सी, और इसको नॉर्मल डर्ट में बदला। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा फार्म और बड़ा किया, तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे 25 डेज। आगे की जर्नी हम अगले पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जिसको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।